नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर उन्नाव से है, जहां जनपद का बेसिक शिक्षा विभाग इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। चाहे फर्जी प्रपत्रों पर नौकरी कर रही मामला शिक्षिका का हो, या चाहे शिक्षकों के आपस में गाली गलौज का, या फिर जनपद में बिना मान्यता के चल रहे अवैध विद्यालयों का। आपको बताते चले कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 5 अक्टूबर को फतेहपुर 84 के ब्लॉक संसाधन केंद्र हफीजाबाद में शिक्षकों की चल रही FLN ट्रेनिंग का औचक निरीक्षण किया गया था, जिसमें BSA संगीता सिंह द्वारा क्रॉस चेकिंग के बाद 19 शिक्षकों को अनुपस्थित पाए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यवाही की बात कही गई थी, जिस पर उन्होंने करीब 25 शिक्षकों पर कार्यवाही के लिए आख्या जारी कर दिया था, जिसके बाद 30 शिक्षकों समेत ट्रेनिंग दे रहे 4 ट्रेनरों का भी एक दिन का वेतन कटौती का आदेश जारी कर दिया गया। जबकि निरीक्षण के दौरान 4 ट्रेनरों समेत कुछ शिक्षक भी मौजूद थे, फिर भी BSA की ओर से उन सभी का एक दिवस का वेतन कटौती का आदेश जारी हो गया। BSA की ऐसी मनमानी कार्यप्रणाली से शिक्षक काफी दुखी है। वहीं 5 अक्टूबर को बांगरमऊ तहसील में समाधान दिवस का आयोजन हुआ था, जहां जिलाधिकारी समेत अन्य जिला स्तरीय अधिकारी भी समाधान दिवस में आए हुए थे। समाधान दिवस में वापस उन्नाव जा रही BSA संगीता सिंह द्वारा करीब 3 बजे हफीजाबाद स्थित BRC सेंटर पहुंचकर चल रही FLN ट्रेनिंग का जायजा लिया गया। साथ ही शिक्षकों की उपस्थिति की क्रॉस चेकिंग की गई। BSA की क्रॉस चेकिंग में 19 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए, जिस पर BSA उन्नाव ने अनुपस्थित मिले शिक्षकों पर कड़ी कार्यवाही करने की बात कही थी। वहीं इस बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुशील यादव। पूरा मामला बेसिक शिक्षा विभाग का, जहां फर्जी प्रपत्रों पर नौकरी कर रही हैं महिला शिक्षिकाएं। देखिए, मामला उन्नाव जनपद का है, जहां पे बेसिक शिक्षा विभाग इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां पर चाहे फर्जी प्रपत्रों पर नौकरी कर रही महिला का मामला हो, चाहे शिक्षकों का आपस में गाली गलौज, या फिर जनपद में बिना मान्यता के चल रहे अवैध विद्यालयों की बात हो, ऐसा ही एक मामला आया है, जहां पे उन्नाव जनपद की बेसिक शिक्षा अधिकारी जो संगीता सिंह जी हैं, उन्होंने 5 अक्टूबर को फतेहपुर 84 के ब्लॉक संसाधन केंद्र हफीजाबाद में शिक्षकों की चल रही FLN की ट्रेनिंग का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें BSA द्वारा क्रॉस चेकिंग के दौरान 19 शिक्षकों को अनुपस्थित पाया था और कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कार्रवाई की बात कही थी, जिस पर उन्होंने रात में एक निरीक्षण की आख्या प्रेषित की, जिसमें उन्होंने लगभग 25 शिक्षकों को अनुपस्थित दर्शाया था, साथ ही 4 ट्रेनरों को उपस्थित दिखाया था। उसके बाद में 7 अक्टूबर को एक फिर वेतन कटौती का आदेश जारी किया जाता है, जिसमें 26 शिक्षकों को अनुपस्थित बताने के साथ जो वहां पे FLN की ट्रेनिंग दे रहे थे ट्रेनर 4, उनको भी अनुपस्थित दर्शा दिया गया और वेतन कटौती का आदेश जारी कर दिया गया, जिससे साफ ये देखने को मिल रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा विभाग अपने क्रियाकलापों के कारण चर्चा का विषय बना रहता है। जब बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा क्रॉस चेकिंग की गई और क्रॉस चेकिंग के दौरान उपस्थित पंजिका पे 19 एब्सेंट शिक्षकों को लिखा गया और बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर भी किया गया, तो ये जो 30 का आंकड़ा है, ये कैसे क्या आ गया जी। ये अपने आप में सोचने को मजबूर कर दे रहा है। और बेसिक शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं, जो उस दिन वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे थे, उनको अनुपस्थित दर्शा के उनकी सर्विस बुक में कहीं ना कहीं कलंक लगाने का काम किया जा रहा है जी। तो इस मामले में उन शिक्षकों का क्या कहना है, वो क्या कहना चाहते हैं? इस मामले में शिक्षकों का कहना है कि सर्वप्रथम वो BSA से जाकर अपनी बात बताएंगे, और उन्होंने स्पष्टीकरण भी लिख रखा है, और उनका कहना है यदि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो हम जिले के आला अधिकारियों से मिलने के साथ ही बेसिक शिक्षा महानिदेशक
को भी उन्नाव जनपद के बीएसए के क्रियाकलापों को अवगत कराएंगे। मौके पे जब बीएसए वहां पहुंची तो जो शिक्षक नदारद थे तो उनका क्या कहना है? जो शिक्षक नदारद थे उनके खिलाफ जैसे स्पष्टीकरण और वेतन कटौती का आदेश जारी किया गया ये सही है, लेकिन वहाँ पे जो शिक्षक मौजूद थे और उनका वेतन कटौती का आदेश उनको अनुपस्थित दर्शा दिया गया, वेतन कटौती का आदेश भी जारी कर दिया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आखिर आदेश जारी किया गया तो किस लिए जारी किया गया, और जबकि वहाँ पे बीएसए ने स्वयं क्रॉस चेकिंग की थी, ऐसा नहीं कि उन्होंने क्रॉस चेकिंग नहीं की थी, दूसरे के द्वारा क्रॉस चेकिंग करवाई गई हो, लेकिन उन्होंने जब स्वयं क्रॉस चेकिंग की थी और उपस्थित रजिस्टर पे उन्होंने अपना हस्ताक्षर पद भी अंकित किया था और जितने अनुपस्थित थे वो भी दर्शाया था, तो आखिर ये 30 शिक्षक कैसे वहाँ पे हो गए? सही बात है, जो दोषी हो उन्हीं पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो नदारद थे उन पर ही कार्रवाई होनी चाहिए, उनका वेतन कटौती होनी चाहिए, और जो लोग वहाँ उपस्थित थे ट्रेनिंग ले रहे थे अगर उन पर कार्रवाई हो रही है तो ये वास्तव में बड़ा सवाल है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सुशील आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।